Assalamu alaikum classics, I hope you all are fine and enjoying well. In our previous video, we studied about past indefinite tense or past simple tense. Indefinite tense ko simple tense bhi kaha jata hai, jaise ki I told you before. So, in this lecture or in this video, I will tell you about what is past continuous tense and how you can translate or recognize the difference between continuous tense and indefinite tense. So, सबसे पहले उर्दू में पहचान जुमले की उर्दू में जो जुमले होते हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हो कि ये continuous का tense है. वो ऐसे कि हर जुमले के आखिर में जिस भी जुमले के आखिर में रहा था रही थे रहे थे वगैरह आता होगा वो क्या होगा past continuous tense होगा. इससे आपको पता चलेगा कि this is the tense of continuous and is from past. So, the formula of past continuous tense is, as I told you, there are three types of sentences. Positive sentence, negative sentence, question sentence. Positive sentence will always be simple. And this is the tense we commonly use to communicate with each other. Negative sentence mein ye hoga ki jo bhi jumla aapne banaya hoga ya jumla aapke samne hoga sentence wo hamesha उसमें नहीं का इस्तेमाल होगा या नॉट का यूज होगा इंग्लिश में वो कौन सा सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस होगा. एंड द थर्ड वन और लास्ट इज क्वेश्चन सेंटेंस सवालिया जुमला जिससे कि हम सवाल कर रहे होंगे जिस जुमले में उर्दू में या इंग्लिश में जिस भी सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर रहे होंगे वो जो होगा क्वेश्चन सेंटेंस होगा. सो पॉजिटिव का क्या फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी आईएनजी के साथ ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव कंप्लीट हो गया. अब नेगेटिव का क्या फॉर्मूला है सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वॉज एंड वर आएगा. जैसे हम इनडेफिनेट में डिडेंट का यूज कर रहे थे इसी तरह हम जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें वॉज और वर का यूज करें क्योंकि इनडेफिनेट में हम कॉन्टिन्यूस में इज एम और आर का यूज कर रहे थे इस क्योंकि वो तो प्रेजेंट टेंस था मौजूदा टाइम था. ये जो पास्ट टेंस है ये गुजरा हुआ टाइम है इसमें वॉज और वर का यूज करेंगे. वॉज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होगा और वर हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगा. अब वॉज और वर के साथ नॉट आएगा फिर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा और हम इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे आईएनजी के साथ. अब लास्ट जो सेंटेंस होता है वो होता है क्वेश्चन सेंटेंस. इसमें क्या होगा वॉज और वर जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट उसके बाद आएगा फिर हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज करेंगे और लास्ट में हमेशा सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है. जैसे अब एग्जांपल मैं आपको देती हूँ वो खेल रही थी क्या मतलब हुआ ये सेंटेंस कौन सा है पास्ट का है. चलो लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश. पॉजिटिव में हम ट्रांसलेट करेंगे शी वॉज प्लेइंग वो खेल रही थी. नेगेटिव में हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे हमने नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करना है सो शी वॉज नॉट प्लेइंग वॉज के साथ क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा. शी वॉज नॉट प्लेइंग वो खेल नहीं रही थी. लास्ट में जो सेंटेंस होता है वो होता है क्वेश्चन सेंटेंस. उसमें क्या होगा जो वॉज है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा फिर जो है सब्जेक्ट आएगा और फिर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और हम जो है क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलेंगे. सो This sentence will translate in question is was she playing? क्या वो खेल रही थी? ये तो हो गया singular sentence. अब हम plural का देखते हैं. हम सो रहे थे. ये रहे थे का क्या मतलब हुआ? रहे थे से कि आपको ये पता चल रहा है कि this is sentence of plural. So we were sleeping. हम सो रहे थे. We were not sleeping. हम नहीं सो रहे थे. And were we sleeping? क्या हम सो रहे थे? We were sleeping, positive sentence हो गया. We were not sleeping, हम सो नहीं रहे थे. ये हो गया negative sentence and question sentence क्या हो गया? Were we sleeping, क्या हम सो रहे थे? इसी तरह आपने और भी जितने भी sentences हैं past continuous के do practice at your home and memorize the formula of these tenses by your heart. I hope you will learn it. And you will do practice of it. See you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.